अक्षय का असली कातिल शॉलिन है। रीता क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो तुम? हो क्या गया है तुम्हें? पहले तुमने कहा कि अक्षय का मर्डर तुमने किया है, अब कह रही हो अक्षय का मर्डर शॉलिन ने किया है। ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग प्लीज इस तरह से बीच में ना बोले, वरना मजबूरन आप सभी को कोर्ट के बाहर कर दिया जाएगा। मिसेस प्रीता लूथरा, आप कैसे साबित कर सकती है कि अक्षय की कातिल शर्लिन है? चाचा, मेरे हस्बैंड ने मेरा इल्जाम अपने सर पर इसलिए ले लिया था क्योंकि वो जानते थे कि ये खून मैंने नहीं किया है, और उसी तरह मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि ये खून मेरे पति करण लूथरा ने नहीं किया है। मुझे हमारे देश के कानून पर पूरा भरोसा है। मैं ये जानती हूँ कि आप कभी भी एक निर्दोष को सजा नहीं देंगे और आप असली कातिल को खुद ढूंढ ही लेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और मैंने अपनी बहन और अपने देवर समीर के साथ मिलकर इस केस के बारे में छानबीन करने की कोशिश की, और पूरी छानबीन करने के बाद मुझे ये पता चला कि अक्षय का कातिल कोई और नहीं शर्लिन लूथरा ही है। प्रीता तुम झूठ क्यों बोल रही हो? जज साहब ये झूठ बोल रही है। प्रीता मुझ पे इसलिए इल्जाम लगा रही क्योंकि मुझसे नफरत करती है। नहीं सर, मैंने ये इल्जाम इसलिए नहीं लगाया है कि मुझे उससे कोई पर्सनल एनिमिटी है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस दिन शर्लिन अक्षय का खून कर उस होटल से निकल रही थी, उस दिन उस होटल के वेटर रोहित ने शर्लिन को वहां से निकलते हुए देख लिया था। आप प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाइए। मिसेस प्रीता लूथरा, कानून आपकी बात नहीं मानेगा, कानून को ठोस सबूत चाहिए। मैं जानती हूँ, और सबूत इस वक्त इस कोर्ट में मौजूद है। वो वेटर रोहित जिससे शर्लिन टकराई थी अक्षय का खून करने के बाद, वो इस वक्त इस कोर्ट में गवाही देने के लिए रेडी है। माय लॉर्ड, मेरा अगला गवाह है उस होटल का वेटर रोहित, जिसे मैं विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मैं कब से उन दोनों को ढूंढ रहा हूं, मुझे लगता है कि मुझे उनको सब बता देना चाहिए। Excuse me. Hi. वो आपसे कुछ बात करनी थी अक्षय के मर्डर के बारे में। आप जो कुछ भी जानते हैं क्या हमें बता सकते हैं? प्लीज जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है। आप तो पहले भी मेरे को वो फोटो दिखा रही थी ना लड़की का, और उसके बारे में पूछ रही थी। हाँ, लेकिन जब अक्षय का खून हुआ उस दिन आप ही ड्यूटी पर थे ना, आपने सब लोगों को देखा है, शायद आपने कातिल को भी देखा हो। आपने आपने इस लड़की को देखा है ना? क्या आप यही बात कोर्ट में बोल सकते हैं? नहीं मैम, मैं ये कोर्ट कचहरी के झमेलों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी एक गवाही एक मासूम को बचा सकती है। अगर आप सच बोल देंगे तो मेरे निर्दोष पति जो इस वक्त जेल में उस गुनाह की सजा काट रहे हैं जो उन्होंने किया भी नहीं है, वो बाहर आ जाएंगे। आपकी वजह से मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। प्लीज आप कोर्ट में ये बात कह दीजिए कि आपने इस लड़की को देखा है, आप कातिल को जानते हैं। मुझे पता है आप जानते हैं। सृष्टि बोलना, प्लीज आप हमारी मदद कर दीजिए, किसी की जिंदगी का सवाल है यार। ठीक है मैम, मैं आऊंगा और गवाही भी दे दूंगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो मिस्टर रोहित,
क्या आप शर्लिन लूथरा को जानते हैं? हाँ वकील साहब, जानता हूं। अक्षय के खून से पहले मैंने इनको होटल में 2-3 बार देखा था। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, होटल में तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, इसका यह मतलब तो नहीं हुआ कि होटल में आने वाला हर एक शख्स खूनी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हाँ तुम क्या कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। जज साहब, उस रात शर्लिन मैम को मैंने होटल में देखा था जिस रात अक्षय का खून हुआ था। मेरी ड्यूटी उसी फ्लोर पे थी जिस फ्लोर पे अक्षय का होटल रूम था, और मैं साफ सफाई करके बस जा ही रहा था तब शर्लिन मैम को सामने से आते हुए देखा, और वो बहुत जल्दी में थी, बहुत घबराई हुई थी और बहुत डरी हुई थी, और डर के मारे वो मुझसे टकरा गई। मैम, सिर्फ गिरा हूँ मैं, तो मरने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ। सॉरी भैया, गलती से निकल गया। अच्छा, आप किस कमरे में जा रहे हैं? रूम नंबर 701। अच्छा ठीक है, जाइए। मैं तो बस कंफर्म कर रही थी, कहीं अक्षय के कमरे में तो नहीं जा रहा। जज साहब, मैं इस आदमी को जानती भी नहीं, तो टकराने को बहुत दूर की बात है। ऑर्डर ऑर्डर, आप प्लीज कोर्ट की शांति बनाए रखें। आपको पूरा मौका दिया जाएगा विटनेस बॉक्स में आके जो भी बोलना है बोल दे। जज साहब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये मैम मुझसे टकराई तो खून इन्होंने किया, लेकिन उस दिन जो इनका बर्ताव था, ये बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी, बहुत परेशान थी, और इन्होंने मुझसे सॉरी भी बोला। अगर कोई किसी से सॉरी बोलता है तो क्या उसे खूनी करार दे दिया जाए? मेरा कहने का मतलब यह है कि ये उस दिन बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी, और इन्होंने मुझसे एक और बात कही कि अब तुम भी उसकी तरह मर मत जाना। मैं तो सिर्फ गिरा था, मरने की बात कहां से आ गई? पॉइंट टू बी नोटेड, जैसा कि शर्लिन लूथरा ने वेटर से कहा कि गिर के मर मत जाना, तो योर ऑनर, अक्षय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हम सबको ये पता चला कि अक्षय की मौत उसके सर के पिछले हिस्से में चोट लगने से हुई थी, जैसे उसे किसी ने गिरा दिया था और उसका सर बहुत जोर के साथ जमीन से जाकर टकराया था। कहानी अच्छी मुझे फंसाने के लिए, लेकिन जज साहब, अगर ये आदमी इतनी सारी चीजें जानते हैं इस केस के बारे में तो पहले क्यों नहीं आया? इसे पता होना चाहिए ना कि इस केस की हियरिंग पहले भी हो चुकी है। बात साफ है, इसे कुछ भी नहीं पता, इसे ये कहानी बनाने के लिए किसी ने पैसे दिए, और कोई और नहीं, प्रीता है। क्योंकि प्रीता डेस्परेटली चाहती कि करण जेल से बाहर निकल जाए। हम भी चाहते कि करण जेल से बाहर निकल जाए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि प्रीता तुम मुझे फंसा दो, मुझ पे इल्जाम लगा दो। ओह कम ऑन शर्लिन, अपनी बातों से कोर्ट को गुमराह मत कर। पहले बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि खूनी को देख लिया था इसने, डर गया था और कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। जज साहब, ये तो अपनी जॉब तक छोड़कर गांव जाने वाला था। अच्छा, और तुमने पैसे देके इसे गांव के बजाय यहाँ पे कोर्ट में बुला लिया, सो दैट ये मेरे खिलाफ झूठी गवाही दे सके। प्रीता तो मुझे पहले दिन से पसंद नहीं करती हूँ, स्पेशली तब से जब से मेरी शादी ऋषभ जी से तय हुई है,
तुम तो चाहती थी कि घर वाले मुझे घर से निकाल दे, लेकिन जब किसी ने मुझे घर से नहीं निकाला तो तुमने आज ही खून का इल्जाम मुझ पे लगा दिया। पिता खुद ज्यादा ही कर दिया तुमने आज। ज्यादा की बात कर रही हो तुम, ज्यादा की बात कर रही हो तो ज्यादा बताओ। अगर मैं ज्यादा बोलने पे आई ना तो तुम्हारे पास के सारे कच्चे चिट्ठे सामने आ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि आज इस कोर्ट में अक्षय के खून की हियरिंग हो रही है और मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ की घटिया हरकतें और अक्षय के खून की हियरिंग को मिक्स नहीं करना चाहती। समझी तुम? क्या बोलोगी तुम? बोलो, बताओ, बताओ फिर। बोलो तुम क्या करते आई हो आज तक? क्या बोलोगी? ऑर्डर, ऑर्डर। आप लोग अगर इसी तरह झगड़ती रही तो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के इल्जाम में आप लोगों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। मिसेस प्रीता लूथरा, आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जी। शर्लिन, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे अभी सिर्फ अपनी पड़ी है, अगर आज मैंने अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं किया तो मुझे उम्र कैद हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जज साहब, मैं आपको ये सारी बात शुरू से समझाती हूँ। शर्लिन अक्षय से सिर्फ उसी दिन नहीं मिली जिस दिन उसने अक्षय का खून किया, वो अक्षय से पहले से मिल रही थी। इनफैक्ट 2-3 दिन जाकर उससे मिली, उसी कमरे में, उसी होटल में, और उसकी CCTV फुटेज मैं ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट कर चुकी हूँ, आप प्लीज देखिए। बस जिस दिन अक्षय का खून हुआ उस दिन जो CCTV कैमरा की फुटेज थी वो हमेशा की तरह गायब कर दी गई, मेरा मतलब डिलीट कर दी गई। जैसा कि अक्सर ऐसे हादसों में होता है कि जो गुनहगार होता है वो जाकर अपने गुनाह की फुटेज डिलीट कर देता है, उसी तरह उस रात की फुटेज डिलीट हो गई, लेकिन बाकी दिनों की फुटेज यहां पर मैंने सबमिट की है। माय लॉर्ड, ये वही CCTV फुटेज है जिसमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि शर्लिन लूथरा अक्षय की मौत से पहले उसके उसी होटल रूम में गई थी। यस साहब, जरा आप ही सोचिए, ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण शर्लिन लूथरा रोज अक्षय से मिला करती थी? वो अक्षय के खून होने के पहले भी मिली थी और अक्षय के खून होने के बाद भी उसने ये बात अदालत से और अपने घर वालों से दोनों से छुपा कर रखी। सो जज साहब, जैसा कि मेरे ऑपोजिशन लॉयर संदीप बत्रा जी ने यह कहा कि यह ओपन एंड शट केस है, तो मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं। शर्लिन लूथरा की मौजूदगी बहुत गहराई तक है, एक ऐसा राज जो ना किसी ने खोला है और ना किसी से खुला है। योर ऑनर, अभी तक इस अदालत में जितने भी सबूत और गवाह पेश किए गए हैं उससे ये साफ पता चलता है कि शर्लिन लूथरा ने ही अक्षय का खून किया है। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि शर्लिन लूथरा को फौरन हिरासत में लिया जाए और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरे क्लाइंट करण लूथरा जो कि बेगुनाह है उन्हें इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिसेस प्रीता लूथरा, आपको कुछ और भी कहना है? योर ऑनर, इस कोर्ट में अब सबूत के तौर पर पेश करने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज इस केस की सुनवाई और इस केस का फैसला आज के आज ही कर दीजिए। क्योंकि जितना ये केस डिले होगा उतना ही गुनहगार को मौका मिलेगा कि वो अपना गुनाह छुपा सके और अपने आप को छुपा सके, और उतनी ही देर मेरे निर्दोष पति को सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगली तारीख से पहले ना ही कोई सच के लिए लड़ने वाला रह जाए
और ना ही कोई सच्चाई बताने वाला रह जाए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस केस का फैसला आज ही सुनाइएगा और मेरे निर्दोष पति को रिहा कर दीजिए। वो बिल्कुल बेगुनाह, उन्होंने ये इल्जाम अपने सर पर सिर्फ अपनी पत्नी को बचाने के लिए दिया। मेरे निर्दोष पति को मुझे लौटा दीजिए, उनके परिवार को उनका बेटा लौटा दीजिए। आप अपनी जगह पर जाके बैठ जाए। मिसेस प्रीता लूथरा के दिए हुए सबूतों ने आज इस केस पर नई रोशनी डाली है, नई जानकारी दी है। ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि मिसेस प्रीता लूथरा की दी गई जानकारी को पुलिस रिकन्फर्म करे। आज ये कोर्ट कोई तारीख नहीं देगा बल्कि असली खूनी को सजा देगा। The court is adjourned for break. प्रीता अरोरा अपने आप को समझती क्या है? उसकी हिम्मत कैसे हुई शर्लिन पे इल्जाम लगा दिया कि अक्षय का मर्डर शर्लिन ने किया? आप इस बारे में कुछ जानती थी क्या? नहीं करीना दी, मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मेरा दिल कहता है प्रीता ने अगर ये इल्जाम शर्लिन पे लगाया है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह तो होगी ही। आप ना कुछ भी बोलती रहती है। आप एक मिनट, क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अक्षय के मर्डर का इल्जाम लगा दिया तुमने उस पे? I just can't believe this. देखो प्रीता अरोरा, मैं जानती हूँ तुम शर्लिन को पसंद नहीं करती, उसे अपनी दुश्मन समझती हो। I can understand देवरानी जेठानी में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन ये बहुत ही घटिया तरीका है दुश्मनी निकालने का। करीना बुआ, मैंने जो कुछ भी कहा वो किसी लड़ाई या दुश्मनी की वजह से नहीं कहा, लेकिन शर्लिन वाकई ही इस फैमिली की सदस्य होकर दुश्मनों वाले काम कर रही है। अगर आज करण जेल में है तो शर्लिन की वजह से ही है। करण जेल में तुम्हारी वजह से। करीना दी प्लीज शांत हो जाइए, ये आप क्या बोल रहे हैं? अभी प्लीज, ये जो मैं प्रीता से कह रही हूँ ना, ये आपको बोलना चाहिए उसे। याद है ना आपको, ऋषभ आपका बेटा है और शर्लिन शर्लिन आपकी बहू है। किसने शर्लिन पे इल्जाम लगाया है? लेकिन आप तो कभी इसे कुछ नहीं कहेंगी ना, हमेशा सपोर्ट करेंगी इसे, इसीलिए मैं इसे सुना रही हूँ आपकी वजह से। मुझे है ना तुम पे विश्वास होने लगा था, मुझे लगा था तुम शायद इतनी बुरी नहीं हो जितना बुरा मैं तुम्हें समझती, लेकिन ये हरकत करके तुमने मेरे विश्वास को फिर से तोड़ दिया। गलती मेरी, क्योंकि तुम तो कभी गलत हो ही नहीं सकती ना। तुम प्रीता अरोरा हो, द परफेक्ट एंड आइडियल बहू जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, लेकिन ये जो तुमने किया है ना, बहुत गलत किया है प्रीता। तुम्हें कम से कम इतना सोचना चाहिए था कि शर्लिन प्रेग्नेंट है, वो हमारी फैमिली की बहू, पर नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है क्योंकि तुम सेल्फिश हो। करीना दी मेरी बात तो सुन, प्रीता पुत्र, करीना दी ने जो अभी अभी जो कुछ भी कहा उसका बुरा मत मानना। बात यह है कि दी शर्लिन को बहुत ज्यादा पसंद करती है और ये जो इल्जाम तुमने लगाया शर्लिन पे वो बहुत नाराज हो गई। खैर मैं जानती हूँ तूने शर्लिन पे ये इल्जाम जानबूझ के तो नहीं लगाया है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है जो शायद हमें नहीं पता। लेकिन प्रीता एक बात कहूँ, तूने जो कुछ भी कहा शर्लिन के बारे में कोर्ट में, अगर वो बात सच साबित हो गई तो इस परिवार को, मुझे, हम सबको बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि
शर्लिन तो इस परिवार की बड़ी बहू है ना, और जरा सोचो इस परिवार के किसी सदस्य ने इस घर के बेटे को जेल भेजवा दिया, वो भी खून के इल्जाम में। समझ में नहीं आ रहा अब आगे क्या होगा। मैं तो ये सोच सोच के कांप रही हूँ कि जब ऋषभ को पता चलेगा कि क्या क्या सब हो रहा है तो क्या बीतेगी उसमें, वो पिता बन नहीं पाता है। शर्लिन प्रेग्नेंट है और ये सब कुछ। जानती हूँ राखी माँ, चाहे किसी पे भी इल्जाम लगे, किसी के साथ भी बुरा हो, सबसे बुरा आप ही को लगेगा, क्योंकि आपका दिल एक माँ का दिल है और माँ के किसी भी बच्चे के साथ बुरा हो तो सबसे ज्यादा दिल माँ का ही टूटता है। आई विश गुनहगार को आगे लाने के लिए मेरे पास कोई और चारा होता, कोई और रास्ता होता तो मैं वही अपनाती, लेकिन इस वक्त ना मेरे पास समय है ना ही कोई ऑप्शन। जो सच है उसको तो मुझे सामने लाना ही होगा।